नमस्कार, आप देख रहे हैं CCTV 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। 6 दिसंबर मथुरा में है पुलिस का मल्टीलेयर पहरा। मथुरा में किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने CRPF प्राइवेट एक्शन फोर्स तथा PSC की मदद से एक चक्र मल्टीलेयर चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जिससे कि कोई आपराधिक तत्व चक्रव्यूह को भेद कर शाही मस्जिद तक ना पहुँच सके। देखिए क्या कहा इस चक्रव्यूह के बारे में पुलिस अधिकारी ने, आइए देखते हैं। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, आगरा मंडल ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्टर कुरैशी की खास रिपोर्ट। और की 6 दिसंबर को लेकर मथुरा को किया छावनी में तब्दील। अराजक तत्वों ने सोशल मीडिया पर मस्जिद में कृष्ण की प्रतिमा पर जल अभिषेक की उड़ाई थी खबर। 6 दिसंबर की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन को पहले हाथ पैर। मस्जिद के पहरे के लिए 4 सुपर जोन और 4 जोन के साथ 8 सेक्टरों में बंदा पड़ा। मस्जिद सुरक्षा दृष्टिगत कड़े पहरे के लिए 3,000 पुलिस और पैक के 7 लाख के जवानों की रहेगी नजर। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है संदिग्धों पर नजर। मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्म स्थान के सभी प्रमुख एंट्री मार्गों पर लगाए गए थे। हमारे द्वारा तैयार किया गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सारे पॉइंट सुरक्षित रहे, क्षेत्र सुरक्षित रहे और किसी भी तरह से अफवाह फैलाने वालों पर पूरी तरह से पुलिस ने प्रशासन ने अपनी कदर रखी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई सवाल से घटना नहीं होने दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, डिफरेंट लेयर में अरेंजमेंट है और PSC है हमारे साथ में। इनर क्वार्टर के लिए पहले से ही CRPF रिस्पॉन्सिबल है। ड्रोन कैमरे से निगरानी करी जा रही है। सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर पहली नजर रखी जा रही है।